ओके सो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है अभी दिन वाली जो हम पिछले बार गए थे। अब मैं जा रहा हूँ जिम और अभी टाइम हो रहा है 4 बज गई है, तो फटाफट कपड़े बदल लेते हैं क्योंकि ये कपड़ों में जिम से ना आवाज़ आता है। सो इन 3 2 1 गो। ओके सो अब जिम के कपड़े में आ चुके हैं। हाँ ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। अब बाल भी सही साठ है और ड्रेस भी सही साठ है। ओके ऑल सेट टू गो। बैग पैक रेडी है, पानी बोतल ले ली, ट्राइपॉड भी ले लिया है। पर जाने से पहले प्री वर्कआउट पी लेते हैं पहले, फिर चलते हैं। हालांकि जिस टाइम पे मैं जिम जाता हूँ वो बहुत बेस्ट है क्योंकि सिवाय ओनर और ओनर के दो लड़कों के अलावा कोई रहता नहीं है, तो अच्छी बात रहती है। खाली जिम मिल जाती है मुझे तो अच्छे से वर्कआउट हो जाता है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि ओनर को पता नहीं चले कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि उसका रिएक्शन क्या रहेगा। तो चलिए चलते हैं। Gracias.
ओके तो जिम शिम हो चुकी है कंप्लीट, अब चलते हैं घर की ओर वापस से और इस बार सीधा घर जाएंगे। थके हुए हैं और भूख भी बहुत ज़ोरों से लग रही है। और आफ्टर जिम ऐसे करो कि भैया जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें पंप अच्छा है, मतलब जैसे चेस्ट और ट्राइसेप था आज मेरा और गजब का पंप आया है चेस्ट में और ट्राइसेप में, मतलब दोनों एकदम भूख गए हैं। तो चलिए चलते हैं अब घर और पीते हैं अपना प्रोटीन शेक। भाई एक तो समझ नहीं पड़ता, मैं जब भी घर के बाहर जाऊँ इनको दरवाज़ा ही लगा देना है, और जब सब घर के अंदर रहेंगे तो पूरे सब दरवाज़ा खोल के रखेंगे। अरे कोई है? ओ भाई चलो तुम बाहर आओ। इसके अंदर सफ़ेद पदार्थ डाल दिया है, क्रिएटिन है, सफ़ेद पदार्थ रुपये मत बोलना क्या है ये, नमक वमक नहीं, क्रिएटिन है। और आज अपन वे प्रोटीन का नया फ्लेवर यूज़ करेंगे, मतलब इससे पहले मैं चॉकलेट फ्यूज़न और अब मॉल्टेड चॉकलेट जो भी है मॉल्टन केक चॉकलेट मेरे को भी खुद को नहीं पता, पर अभी भूख बहुत लग रही है। तो मैं अभी अपना प्रोटीन पीता हूँ फटाफट और इसके बाद अपने फ़ोन को चार्ज करता हूँ क्योंकि पूरा दिन भर से इसने बहुत काम किया है। सो मिलते हैं आपसे खाना बनाने टाइम पे। गिल की चावल गिला पानी उबल रहा है, ये दाल ठंडी हो रही है, इधर आटा गूंद दिया मैंने। तो अब चलिए रोटी बनाते हैं फटाफट। ये है रोटियाँ, रोटियाँ कंप्लीट है। ये है चावल, चावल थोड़े से ज़्यादा है क्योंकि दाल चावल थोड़े ज़्यादा बने आज। ये है दाल जो कि थोड़ी सी कम है, अभी कम इसलिए दिख रही, मैं आपको रीज़न बताता हूँ, इसको लगाता हूँ मैं आके। ये थोड़ी सी सब्जी जो मेरे लिए बची इतनी, ये सब के सब यहाँ पे खा रहे हैं भाड़ू, ये मामू, ये लफंटरों वाली कमीज, ये काला चश्मा, बालों में इसके लिए तो महाराजी थाली लगवाई है, मालो कोई चक्कर वक्कर तो नहीं, महाराजा है क्या, महाराजा डीसी महाराज तो क्या नाचो मैं सबसे वो मोटा भाई, सबसे बड़ा महाराज ये है मोटा भाई वाले जी। ठीक है चलिए अब मैं फटाफट नहा लेता हूँ, मैं जिम से जैसे ही आया हूँ और फटाफट उसके बाद आटा गूंद के, मतलब जितनी देर में फ़ोन चार्ज हो रहा था ये वाला उतनी देर में मैंने आटा गूंद दिया, फिर 5 मिनट का एक थोड़ा सा रेस्ट लिया और उसके बाद फिर रोटियाँ बनाना शुरू कर दी। तो रोटियाँ बनाना काम ख़त्म और अब ये सब खाना खा ही रहे हैं, मैं भी फटाफट नहा के खाना ना खा के फिर बाहर जाता हूँ। ओके चलिए अपन नहा के हो गए बिल्कुल तैयार, अब जाते हैं बिल्कुल खाना ना खा के पेट भर के जाते हैं अपन सोने के लिए। नहीं ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ, सोने के लिए नहीं, 10,000 स्टेप्स अपने कंप्लीट करने में बाकी है अभी। तो खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद
बाहर चलते हैं। ओके मीनवाइल ओके सो खाना डन हो चुका है कंप्लीट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो खाना डन है, रोटियाँ जीती थी ख़त्म हो गई, चावल थोड़े से, दाल भी तुसी ये जीती है चावल है, और सब्जी भी पूरी ख़त्म है। सो ऐसा कुछ रहता है, ऐसे हम खाना खाते हैं तो उतना ही बनाते हैं जितना नेसेसरी रहता है, कोई भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो लाइटें कर दिए हो तो खाना हमारा पूरा कंप्लीट। अब मेरा शुरू होता है 10,000 स्टेप, और मैं वैसे खाने के बाद एक छाछ भी पीता हूँ, छाछ वाला करके एक जगह है, मतलब एक स्टोर है, जगह तो क्या बोल रहा हूँ, वहाँ जाके छाछ पीता हूँ। और 10,000 स्टेप कंप्लीट करने के लिए मैं कम से कम एक घंटा चलता हूँ, और उस एक घंटे में मैं जितनी वीडियो रहती है उसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं जब घर से निकला था तब 2,000 स्टेप थे, ठीक है, मतलब वो दिन भर में इधर उधर चल के मतलब पहुँचे तो आप चलते ही हो, 8,000 स्टेप्स और चलने हैं, तो चलते हैं अभी बाहर, अभी निकला ही हूँ घर। और ये आ गए अपन छाछ वाला पे, चलिए चलते हैं और पीते हैं छाछ। तो अब चलते चलते छाछ पियेंगे बढ़िया, और आनंद उठाएंगे छाछ का, अच्छी लगती है, मतलब ये वही वाली छाछ जैसा ही टेस्ट आता है, जैसे घर पे जैसे बनाते हैं ना वैसे ही टेस्ट है बिल्कुल इसका, अच्छा लगता है। और खाना खाने के बाद एक छाछ मिल जाए ना मज़ा आ जाता है। मेरे साथ मेन दिक्कत ये आ रही है कि मैं कंसिस्टेंसी तो ला दूँ कोई से भी चैनल पर, चाहे मेरा फूड इंटरेस्टिंग हो या चाहे मेरा आर के ब्लॉग ही क्यों ना हो, मेन दिक्कत फंसती है वीडियो एक्सपोर्ट करने की। क्योंकि क्या होता है, आप शूट कर लो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, इसको मैं हाथों हाथ VN में डाल देता हूँ, मेरा जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें डाल देता हूँ, और उसमें डालने के बाद फिर मैं इसको हाथों हाथ एडिट भी कर देता हूँ, मतलब क्लिप को एडिट कर देता हूँ। मेन दिक्कत आती है एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि एक्सपोर्ट करने में ये आईफोन 15 मिनट की एक वीडियो को कम से कम 2 घंटे लगा देता है, और कभी कभी तो इतनी गुस्सा आती है ना कसम से भाई, इतनी गुस्सा आती है ना, एंड 99 मतलब एंड मौके पे मतलब 99.9% जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी वीडियो, फिर जाके बोल देता है फेल टू अपलोड, मतलब फेल टू सेव एल्बम करके कुछ ऐसा आ जाता है, मतलब फेल टू डाउनलोड करके आ जाता है उसमें, और फिर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि सारा 2 घंटे तो यूँ वेस्ट कर ही दिए, अब 2 घंटे और वेस्ट करने हैं। हाँ चलिए कहीं नहीं, अभी देखते हैं इसका संविधान या क्या बोलते हैं, संविधान ही बोलते हैं ना, इसमें ज़्यादा शुद्ध हिंदी जानता नहीं इसके बारे में, मेरी नज़र में जो भी है इसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं से ढूंढने की ज़रूरत। चलिए छाछ का आनंद उठाते हैं।